लगी दीदी? पहली बात तो ये मूवी नहीं है, रियलिटी है। आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे मैम? डोंट आस्क अबाउट द नंबर्स, ये नंबर से कहीं बियॉन्ड मूवी नहीं है, इट इज़ एन इंसिडेंट। मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को, इवन एक छोटे बच्चे को भी ये देखना चाहिए। और कल कैसे लगी मूवी? बहुत बढ़िया, बहुत सच, मतलब बहुत जो सच जो बताया ना, बहुत ही बढ़िया बताया है। और मतलब ये तो मतलब आश्चर्य हो रहा है कि इतने सालों से मतलब कुछ भी फिल्म में पूरा सच दिखाया है, पूरा सच दिखाया, बहुत बढ़िया है। बहुत कम दिखाया है, कम दिखाया, बहुत कम दिखाया, जितना मतलब पब्लिक देख सके उस हिसाब से दिखाया, मतलब वो ज़्यादा हुआ है, लेकिन वो क्या है पब्लिक देख नहीं पाते इसलिए उसको छुपाया गया। वो अच्छा किया लेकिन बहुत अच्छा बताया, पब्लिक को पसंद आएगी, मतलब आजकल के जो नौजवान लड़के उन्हें देखना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबकी आंखें खुली हैं इससे, सबकी आंखें खुली है, और ये होना ही था, खुलना ही थी आँख, खुलना, अब तो भविष्य बहुत अच्छा रहेगा अपना। पूरा सच दिखा दिया फिल्म में, हाँ बिल्कुल, पूरी सच्चाई दिखाई है पूरी, बिल्कुल एकदम आश्चर्य होता है कि मतलब बिल्कुल जड़ तक गए हैं, जड़ तक। ये दिखाया कि आखिर ये जो पूरा हत्याकांड हुआ था हिंदुओं के साथ, इसको करने वाला कौन है, ये खुलासा किया? बिल्कुल किया है, किला खुलासा हुआ है साफ, गवर्नमेंट के सह से नहीं होता है, गवर्नमेंट ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने करवाया है ये सब, मतलब पूरी तरह से सच्चाई दिखाई नहीं। तो इसके पहले एक फिल्म आई थी कोई दूसरी, उसमें लव स्टोरी दिखा दी थी, सीधी सीधी मिली भगत है ये, मिली भगत। फिल्म को आप 5 में से कितने स्टार देंगे? पूरा 5 में से 10, 5 में से 10, 5 में 5, 5 में 10। कैसे लगी मूवी? बहुत अच्छी है मूवी, बहुत अच्छी है। फिल्म इमोशनल करती है पब्लिक को? बिल्कुल करती है। क्या क्या अच्छा था फिल्म में, मतलब एंटरटेनमेंट था या फिर सिर्फ जो सच्चाई थी वही दिखाई, अलग से कुछ मसाला तो नहीं डाला? जो सच्चाई है वही दिखाई गई है, जो मूवी में जो दिखाया गया है, कश्मीर में जो पंडितों के साथ में जो हुआ था, हिंदुओं के साथ, हाँ कश्मीर जो पंडित थे, हिंदू पंडित, हिंदू कही है पंडित, और हाँ हाँ, तो उसी के बारे में बताया गया है, जो भी है जो ट्रुथ है उसमें जी। और ऐसी कुछ कुछ मतलब फालतू का कुछ मसाला तो नहीं डाला, जबरदस्ती मसाला वगैरह तो कुछ नहीं है, अच्छी मूवी है। मतलब 3 घंटे की फिल्म है तो कहीं बोर तो नहीं करता? नहीं नहीं नहीं, पूरी तरह से हर देशवासियों को ये फिल्म जरूर देखना है, वो जरूर देखना। 5 में से कितने स्टार देंगे आप? 5। आप सर? मैं तो 5 में से 5 दूंगा सर। कैसे लगी दीदी? पहली बात तो ये मूवी नहीं है, रियलिटी है, एंड आई सल्यूट टू द डेयरिंग ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड द डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी। पहली बात तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन होगा टू आर नेशन कि हम इसे देखें और अपनी व्यूज़ को फ्रेम करने की डेयर भी रखें, क्योंकि प्रजातंत्र में बोलने का अधिकार सबको है, लेकिन सच्चाई बोलने के लिए भी डेयरिंग करनी होती है। और मेरा मानना है कि जिस लोकतांत्रिक भावना को इस प्रोड्यूसर और डायरेक्टर साहब ने प्रेजेंट किया है, उसी इंटेंसिटी से हर एक भारतीय नागरिक को देखना चाहिए। मतलब फिल्म पूरी सच्चाई बता रही है या फालतू का मसाला डाला है? क्योंकि इसके पहले एक फिल्म इसी टॉपिक पे बनी थी लास्ट ईयर, उसमें ज़बरदस्ती की लव स्टोरी दिखा दी थी और जो कश्मीरी हिंदुओं का दर्द है उसे एक्साइट कर दिया था, पर इसमें वो पूरी सच्चाई है कि इसमें भी फालतू मसाला डाल दिया? पहली बात तो इस मूवी पे क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए, ये एक हर एक नागरिक के ऊपर आज के समय में और उस समय से लेकर जितने भी इसको साक्षी होकर देख कर आए हैं, समझ कर आए हैं, ये एक आरोप है कि ये मूवी लाना पड़ रही है कि लोगों के मानसिकता को जगाने के लिए। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है ना, क्योंकि कभी हमें स्कूल में इसके बारे में पढ़ाया भी नहीं गया, तो क्या लगता है हर एक नौजवान को, खास करके नौजवान को देखना चाहिए फिल्म? नौजवानों के साथ पूरी फैमिली को देखना चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि हर एक मूवी को प्राइज़ मिले या इनाम मिले। अगर आप दिल से अपने देश के नागरिक हैं तो थोड़ी जगह इस मूवी को देखना चाहिए। आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे मैम? डोंट आस्क अबाउट द नंबर्स, ये नंबर से कहीं बियॉन्ड मूवी नहीं है, इट इज़ एन इंसिडेंट। मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को, इवन एक छोटे बच्चे को भी ये देखना चाहिए, और बाहर जितने लोग हैं उन सबको देखना चाहिए अब्रॉड। बताइए सर, आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी मूवी लगी। क्या क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, पूरा एक्सप्लेन कीजिए। ये अपने को बहुत ही अच्छा लगा, ये मूवी अपने को पहले ही बन जानी चाहिए थी जी। ये बहुत लेट बनी है, मगर इससे ही बहुत अच्छा है, अपने जो युवा वर्ग के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा इसके लिए,
और हर व्यक्ति को ये मूवी देखनी चाहिए, हर इंसान को ये मूवी देखनी चाहिए। और बहुत ही अच्छा ये मूवी बनी है, बहुत ही अच्छी फिल्म की तारीफ़ें तो सभी कर रहे हैं और वाकई में फिल्म तारीफ लायक है भी, बट फिल्म के जो स्टार कास्ट है जैसे कि बहुत मंझे हुए एक्टर है अनुपम खेर साहब, मिथुन चक्रवर्ती और जो बाकी के कास्ट है, इनका काम कैसा था? बहुत ही अच्छा, इन लोगों का भी बहुत एक्टिंग की है, बहुत ही अच्छा रोल था इन लोगों का, मतलब जो बहुत ही इंसान जी पकड़ पाए, पकड़ लिए तरीके से, टच कर पाए, बहुत अच्छी तरह से पकड़ लिए हैं। जो यूनस पकड़ना था वो बहुत ही अच्छी तरह इन एक्टरों ने अच्छा ही किरदार निभाया है, सराहनीय है। मतलब जो कश्मीरी हिंदुओं का दर्द है उसे पूरे तरीके से बयां कर पाए? बिल्कुल बिल्कुल देव जी। अनुपम खेर तो खुद ही कश्मीरी है जी, तो उन्होंने तो आत्मा से अभिनय किया है, ओरिजिनली अनुभव किया है उन्होंने, और बहुत बढ़िया पिक्चर है और ये वास्तविकता है, जीवन की वास्तविकता बताई है। अभी मैं यहीं पर घूम रहा था जी सिलिकॉन सिटी में, तो किसी ने हम्प बनाए, तो हम्प बनाए तो बोले ये हम्प क्यों बनाए, तो मैंने कहा भैया ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए बनाए हम जी। अब दूसरी चीज़ ये है कि जैसे हमारे यहाँ कुछ कथा होती है, माइक लगता है जी जी, तो आवाज़ होती तो लोग आ जाते हैं कि बंद करो इसको, बंद करो जी, लेकिन मस्जिद में अजान होती है तो कोई बंद नहीं कर, कोई नहीं जाता है, क्या डिस्टर्ब नहीं होते लोग? तो ये वास्तविकता है इस मूवी की, बहुत अच्छा रोल किया सबने, बहुत अच्छा। हमारा देश जो है ना इस परिस्थिति में आ गया है कि लोकतंत्र को बहुत बढ़ावा मिला और इस स्थिति में डायरेक्टर ने इतनी बड़ी हिम्मत करी ऐसी मूवी बनाने की, पहली बार हिम्मत करी, और उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिली। हाँ, सरकार को साधुवाद देना चाहिए। आइए सर, सबसे मूवी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ विवेक अग्निहोत्री सर को थैंक्स कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो इस टॉपिक पर मूवी लाए जिसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत लगती है। और पहली बात ये, उन्होंने जब ताश्कन फाइल्स लाई थी उसका भी कॉन्सेप्ट ऐसा था कि जो सबके सामने कभी आया नहीं, ना कभी वो अपने बुक्स में आया, और ये भी टॉपिक ऐसा ही था। हाँ, इसे तो कभी पढ़ा है। सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि विवेक सर जो है ना, मतलब इस टाइप की मूवी लाते हैं ना, बहुत मस्त लगता है। मतलब मूवीज़ जो सबके सामने आती है, जो रियल सच्चाई है जो, वो सबके सामने आती है, तो उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहता हूँ। और वो ऐसी मूवीज़ लाते रहे जिससे हमको पता चले कि सच्चाई क्या है। आज के ज़माने में जहाँ नया आजकल के जो युवा है उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, कॉमेडी रोमांटिक फिल्में देखते हैं, उन लोगों को ये फिल्म पसंद आएगी या नहीं? उन लोगों को पसंद आएगी क्योंकि इसमें सच्चाई दिखाई है, और मैं सबसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ऐसी मूवी देखने आए, और वो जो मसाला वसाला ये सब अब पुराना हो गया, लोग इसको सपोर्ट करेंगे। अगर सपोर्ट करेंगे तो अच्छी आएगी, ये 100-200 करोड़ तक जा सकती है, क्योंकि ये 3-4 महीने तक चल रहा है। हाँ, और बाकी मूवीज से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बच्चन पांडे आएगी उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हालांकि उसका कॉन्सेप्ट अलग है, दोनों की वो अलग है, बट इस मूवी को किसी मूवी से फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसकी मतलब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत अच्छा होगा। आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे? मैं स्टार दे ही नहीं सकता, ये मूवी स्टार देने के मतलब बहुत ऊपर है, स्टार के लिए मतलब कुछ भी नहीं होता। सर आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा था? जी सबसे पहली बात तो ये कि मैं दर्शन कुमार जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो हम जैसे यूथ को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं कि कई शो में इस मूवी को क्या बोलते हैं कि प्रेजेंट ही नहीं करने दिया गया, पहले तो दिन स्क्रीन बहुत कम मिली जी बिल्कुल, तो आप तो इस सब के बावजूद भी दर्शन कुमार जैसे इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने सत्यता को दिखाया। सत्यता दिखाना आज के भारत में इतना मुश्किल हो गया है कि उसके लिए आम इंसान, सॉरी विवेक अग्निहोत्री जी को कितना दुख दर्द झेलना पड़ा होगा, मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहता हूँ कि ऐसी फिल्में और बनती जाएँ ताकि और बड़े बड़े एक्टर्स इससे जुड़ें। अनुपम खेर साहब का काम कैसा था, क्योंकि वो खुद एक कश्मीरी हिंदू है और उन्होंने फिल्म में भी वही कैरेक्टर प्ले किया, तो किस तरह का काम था उनका? मैंने एक बार अनुपम खेर जी की एक वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके मामा जी भी इसी प्रकार जी, जिस प्रकार उन्होंने दिखाया है उसी प्रकार रातों रात विस्थापित हो गए थे जी। तो उनसे बड़ा दर्द
उसका व्याख्यान कोई और नहीं कर सकता था। और सबसे एप्ट यही कहूँगा कि सबसे एप्ट स्टारकास्ट इसको दी गई इस मूवी को, और अनुपम जी खेर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी बहुत लाजवाब एक्टिंग करी। वो मिथुन सर का काम कैसा था? इसके अलावा पुनीत इसार सर भी थे जिन्होंने हमने जिनको हमने महाभारत में दुर्योधन के रोल में देखा था, उन सब का काम कैसा था? उन सब का भी काम बहुत ही लाजवाब था। और मतलब सबसे पहली बात तो ये कि वो सब कश्मीर को बिलोंग नहीं करते, फिर भी उसने उस मर्म को जान लिया और उसके हिसाब से एक्टिंग करी, क्योंकि बहुत अच्छा रहा। और पुनीत इसरार जी तो हमेशा से ही हमारे जैसे महाभारत के टाइम से ही लोकप्रिय हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को किया तो उन्होंने तारीफ़ों के बहुत काबिल हैं। मतलब ओवरऑल आप यही कहना चाहेंगे कि देश के हर युवा को फिल्म देखना चाहिए? जी जी, इस को पूरे युवा को देखना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि किसी का एज बैरियर भी नहीं होना चाहिए, ए रेटेड मूवी है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ये सत्यता है, सबको दिखना चाहिए। मैं तो और एक और मैं चीज़ें बोलना चाहता हूँ कि हमारी किताबों में हमें काफ़ी चीज़ें ऐसी पढ़ाई जाती हैं जो शायद इस सत्य को हमसे ना रूबरू नहीं करा पाती हैं। हमको वो पढ़ाया जाता है कि मुगलों ने क्या तीर मारे, ये नहीं पढ़ाते हैं कि इन्होंने या क्या किया। जी जी, वो जो भी किताबों में लिखा है सबको पता ही है। और ऐसा ही IAS के कोचिंग्स में आप सब लोग सब जानते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें भी हमको बताई जाएँ, ताकि जो यूथ है जिन्होंने किताबों में नहीं पढ़ा उनको आप रिकमेंड कर सकते हो कि फिल्म देखिए, आपको सच्चाई पता चल जाए। फिल्म देखिए और इस इकोसिस्टम को तोड़ने की कोशिश करें, और ना ऐसा जाहिर करें पूरी दुनिया में कि हमको सच जानना है, और सच जानने की हमारा अधिकार है बस। मूवी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी जी। और जो इन्होंने टॉपिक दिया है, जैसे मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी क्योंकि मैं अभी 2003 में बॉर्न हूँ, तो मुझे नहीं पता था, बट मुझे बहुत चीज़ें पता चली, क्या क्या हुआ था, क्या क्या दुख दर्द झेले उन लोगों ने। एक्टिंग भी सबकी बहुत ही अच्छी थी। अगर ये मूवी नहीं आती तो शायद आप इतना डीप में इस बारे में जान ही नहीं पाते। हाँ, डीप में मुझे हल्की फुल्की नॉलेज मेरे पेरेंट्स ने दी थी, बाकी इतना डीप में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, नहीं पता था मुझे। मुझे पता लगा अभी मूवी से। तो आप क्या चाहते हो, आपको क्या लगता है कि आपकी एज के हर लड़के और लड़कियों को ये फिल्म देखना चाहिए? देखनी तो सभी को चाहिए, क्योंकि अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और सबके हमारे देश में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे दुख दर्द झेले लोगों ने, सब पता चल रहा है, तो देखनी तो सभी को चाहिए। क्योंकि देखिए, मान लीजिए कि अंकल की एज के इन्होंने तो उस चीज़ को महसूस किया और उस टाइम से, बट जैसे अपन बाद में जो पैदा हुए उन लोगों को नहीं पता कि क्या हुआ था, तो उन जैसे लोगों को देखना चाहिए। आप रिकमेंड करते हो ना? बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ, सबको देखनी चाहिए। फिल्म में सबकी एक्टिंग कैसे थी? एक्टिंग तो सभी की अच्छी थी, बट अनुपम खेर जी थोड़ा स्टैंड आउट किए मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने जैसा पूरी दिखाया है उनकी लाइफ साइकिल, क्या क्या हुआ उनके साथ, पहले वो ठीक थे, फिर बाद में जो भी उनके साथ हुआ, बहुत अच्छा लगा मुझे। सर, फिल्म जो है लगभग 3 घंटे की है, तो आपको कहीं यूँ लगा कि फिल्म का स्क्रीन प्ले थोड़ा ढीला है, फिल्म थोड़ी कम हो सकती थी, 2-2.5 घंटे के हो सकते थे, या फिर 3 घंटे पूरे एक जैसे चले फिल्म और कहीं बोर नहीं किया? मुझे तो बोर नहीं किया, मुझे तो आखिरी में जब एंड हुआ तब मुझे लगा कि और थोड़ा दिखाना चाहिए था। मतलब आप चाहते थे फिल्म और लंबी हो? हाँ, और चले। आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे फिल्म? सर, ये स्टार देने वाली मूवी है नहीं जी, बट 5 स्टार्स। थैंक यू।